लग रहा है भारत माता जरूरी है, कांग्रेस जिंदाबाद रहे, राहुल गांधी जी जिंदाबाद रहे, जरूर। तो राहुल जी से मिलकर क्या कहेंगे? आशीर्वाद देंगे। तो ये जो आप लगातार राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं, तो राहुल जी कैसे व्यक्ति लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं हमारे लिए। जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो दूर बना रहे, और ऐसा युवा की हमारी जरूरत होती है। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा आगर विधानसभा आगर डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा है, और यात्रा की खूबसूरती यह है कि कई सारे महंत जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है, और भारत जोड़ो यात्रा में जो है लगातार अपनी बात कर रहे कई सारे महंत यहाँ पर, और लगातार श्रीनिवासन जी भी इस पूरे यात्रा के साथ शामिल है, और लगातार जो है कई सारे महंत है जो इस भारत जोड़ो यात्रा में लगातार अपनी बात रख रहे हैं। उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है। कई सारे महंत हमारे बीच मौजूद है। भारतनाथ जी, भारतनाथ जी ये बताइए कि कहाँ से आप आए? राजस्थान, नाथद्वारा। क्या लग रहा है कि यात्रा कितना जरूरी है? हमारे को प्यार लग रहा है, भारत माता जरूरी है, कांग्रेस जिंदाबाद रहे, राहुल गांधी जी जिंदाबाद रहे। राहुल गांधी जी सच्चे शिव भक्त हैं? भक्त हैं बिल्कुल। यात्रा में सबसे अच्छी चीज क्या लग रही है? कांग्रेस प्यारा है। प्रेमनाथ जी भटूरिया, आप कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान से, तो भारत जोड़ो यात्रा में क्या सबसे अच्छी चीज? ये चीज हमारे को राहुल गांधी। राहुल गांधी अच्छे लग रहे? जी जी। कुछ क्या नाम है आपका? हमारा बाल योगी पुष्कर राज महाराज, पुष्कर से आए हैं, बहुत बड़े विधायक रहे, बहुत बड़े आर्थिक रहे, और फुल राहुल जी से मिलने आए? जरूर जरूर। तो राहुल जी से मिलकर क्या कहेंगे? आशीर्वाद देंगे। अच्छा, तो ये जो आप लगातार राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं, तो राहुल जी कैसे व्यक्ति लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं हमारे लिए। जय ओगड़ पीर सावनना जी। आप भी राहुल जी से मिलने? राहुल जी से मिलने के लिए आए, आशीर्वाद देने के लिए आए कि हमारी भारत के इंदिर जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो दूर बना रहे, और ऐसा युवा की हमारी जरूरत होती है। लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ है, यात्रा भी आगे की तरफ चल रहा है। राहुल जी लगातार इस पूरे यात्रा का नेतृत्व ने लीड करते हुए इस पूरे यात्रा के साथ चल रहे। भारत जोड़ो यात्रा आगर विधानसभा इलाके से आगर डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा है। लोग देखिए किस तरह से बलून के साथ छोटे बच्चे उत्साह के तौर पर इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को नई ऊर्जा के साथ जो है लगातार लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, सड़कों पर फूल के साथ, कहीं पर बलून के साथ, तो कहीं पर अलग अलग तरीके से इस पूरे यात्रा को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा 86 डे में यानी 86 दिन में जा चुका है, मगर उसके बावजूद जो लोगों के मन में उत्साह है और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह से लोगों का अलग नजरिया, वो तमाम तस्वीरें जो है आगर विधानसभा या आगर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के आप देख सकते हैं। सुबह के वक्त है, छोटे बच्चे, तमाम लोग इस पूरे यात्रा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और तमाम इन तस्वीरों के साथ जो है बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। आप देखिए कि किस तरह का लोगों का भीड़ है, किस तरह से लोग इस पूरे यात्रा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से कह सकते हैं कि हजारों की संख्या पर सड़क के दोनों छोर पर जो है लोग खड़े होकर राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। और चूंकि ये आउटर है मध्य प्रदेश का, मगर उसके बावजूद जो भीड़ है, जो लगातार जो समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में देख सकते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर, तमाम लोग मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अलग अलग संवेदनाएं दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्कूल की बच्चियां हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ी। तो क्या नाम है आपका? माई सेल्फ अनीता सैन। अच्छा, तो कौन सी क्लास में आप पढ़ती है अनीता? 10th। 10th में पढ़ रही है, तो आप राहुल जी का इंतजार कर रही है? यस, हम कोचिंग जा रहे थे, तो हम बोले राहुल अंकल से मिलके जाएंगे। अच्छा, राहुल अंकल से मिलके जाएंगे, तो क्या लग रहा है राहुल जी का, क्यों इंतजार कर रहे हैं, क्या अच्छा लगता है उनमें? उनमें बहुत अच्छा लगता है, उनमें बहुत सारी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। तो क्या क्वालिटी आपको अच्छी लगती है उनमें? उन्होंने बहुत सारे काम किए। अच्छा, मोदी जी अच्छे नहीं लगते? मोदी जी थोड़े कम पसंद है। अच्छा, मोदी जी थोड़े कम पसंद है। तो अभी चुनाव होना है 2023 में मध्य प्रदेश में, तो क्या कांग्रेस आ रही है? बिल्कुल आएगी। अच्छा आएगी। हाँ। तो राहुल जी से अगर मुलाकात होगी तो क्या कहेंगे उनसे आप? राहुल जी से अगर मुलाकात हो गई, कोचिंग का टाइम नहीं हुआ तो कुछ नहीं, मिल लेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे हमारे यहाँ आने के लिए। अच्छा, तो आप कभी सोचे थे कि इस सड़क पे राहुल गांधी जैसे बड़े लोगों का आना होगा? नहीं सोचे, बिल्कुल नहीं।
देखेंगे। भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ चल रहा है, लगातार देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह से लोगों को सपोर्ट मिल रहा है और लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तमाम तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की और इस यात्रा में जो है देखिए छोटे छोटे बच्चे घरों से निकलकर लगातार इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और ये यात्रा को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें हैं आगर विधानसभा इलाके की और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे हो, बच्चिया हो, अम्मा हो या बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग है जो राहुल जी के इंतजार में यहाँ पर इकट्ठा होकर यहाँ पर खड़ी है, इंतजार कर रही राहुल जी का। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से स्वागत के ये पूरे सड़क पर जो है फूल बिछाया गया है। ये तमाम तस्वीरों के साथ ये बताया दर्शाया जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए किस तरह से जो है लोग यहाँ पर प्रेम रखते हैं, प्यार रखते हैं। और इस तरफ देखिए कि कुछ लोग राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पर टेबल चेयर पर बैठे हुए हैं ताकि राहुल जी को देख पाए। चूंकि भीड़ ज्यादा होती है मगर उसके बावजूद जो लोगों का प्रेम है, उत्साह है, वो कम नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। और अच्छा, ये तमाम तस्वीरें हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जुड़ेंगे कि क्यों वो टेबल चेयर पर बैठे, कुछ खास कारण हो सकता है। मगर चूंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है तो उनसे जो है समझना बेहद जरूरी है कि क्या उन जो है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उनके मन में प्यार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अकरम। तो अकरम साहब, पूरा एकदम आसमान पे क्यों चढ़े हुए हैं आप? यहाँ से क्लियर दिखेगा ना सर। अच्छा, क्लियर देखेंगे। हाँ। तो कितना क्लियर देखना चाहते हैं राहुल जी को आप? पास से बिल्कुल फेस टू फेस। फेस टू फेस देखना चाहते हैं। तो राहुल जी का इंतजार कितने देर से कर रहे हैं आप? हम करीबन डेढ़ घंटा हो गया इंतजार करते करते। डेढ़ घंटे होंगे मतलब नजरें बिछा के बैठे हुए आप? जी जी जी। तो ये बताइए कि क्या लग रहा है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से देश कितना और मजबूत होगा? बिल्कुल मजबूत तो होगा ना कि। तो आपको भी लगता है कि बहुत ज्यादा देश में हिंदू मुसलमान हो गया है, लगता है आपको? अच्छा, तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से अगर कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या बात होगी? वो फेस टू फेस मिलेंगे, उस टाइम पे देखेंगे क्या होगा। अच्छा, तो कितने देर से बैठे हुए हैं कुर्सी पर, ये बड़ी वाली कुर्सी पर? डेढ़ घंटा हो गया है। तो ऐसी एक कुर्सी मोदी जी को भी आप गिफ्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। किस तरफ चल रहा है और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन, सपोर्ट और कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से प्यार मिल रहा है, वो तमाम तस्वीरें हैं। तमाम तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की है और लगातार ये तस्वीरों में मजबूती के साथ चल रहा है और मजबूत बन रहा है। आगर विधानसभा या आगर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक साथ चल रहे हैं और इससे तो कई सारी चीजें सामने आ रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा एक मजबूती के साथ इस पूरे इलाके में चल रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है सड़कों पर फूल बिछाकर राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं, राहुल जी से मिलना चाहते हैं, राहुल जी से बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं जो राहुल गांधी के इंतजार में है और राहुल गांधी उनके इंतजार में है शायद, और इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा का लगाया गया। जात पात का बंधन तोड़ो, जोड़ो 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 जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जी सर, कुछ कहना है क्या? अच्छा सर, शाहनवाज भाई ये बताइए कि आज 86 डे हो गया भारत जोड़ो यात्रा का, तो यात्रा कितना मजबूत हुआ है? आपको सामने दिख रहा है कि देखिए कितने लोग स्वागत में आ रहे हैं, इन लोगों को समर्थन मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, भरपूर समर्थन है। आप देख सकते हैं, यहाँ नहीं आप छतों पर देख सकते हैं कि हर जगह आदमी खड़े हैं। इधर आपको हो सकता है धूप की वजह से अच्छा दिखे। जी तो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है मध्य प्रदेश में, यहाँ के गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो नफरत फैला रहे हैं वही तो टुकड़े गैंग हैं, नफरत फैला रही है आरएसएस भाजपा, वही टुकड़े टुकड़े गैंग है ओरिजिनल। अच्छा। तो हम पे तो ब्लेम लगाने के लिए उनको कुछ है ही नहीं, यही एक ब्लेम लगाना ही उनको ऑप्शन है और कुछ। अच्छा। नहीं। तो भारत जोड़ो यात्रा क्या लग रहा है? गुजरात में चुनाव है, राहुल जी पूरा समय यहाँ पर बिता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का पूरे देश में असर है। अच्छा, आप देख सकते हैं चाहे आप बिहार हो चाहे बंगाल हो, हर जगह से लोग आ रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं। यहाँ की गुजरात के भी लोग आए थे। अच्छा, और जुड़े हैं इलेक्शन में। तो राहुल जी को इलेक्शन में जाना चाहिए ना? अभी गए तो थे, बीच में दो दिन गए थे। हाँ। दो दिन गए हैं, अपनी बात रख करके आए, मैसेज जनता के बीच में
जा चुका है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इसके बाद सत्ता परिवर्तन हो रही है? देख रहे हैं सत्ता परिवर्तन की यही देखिए लहर है कि चाचा आप 70 साल के होंगे, 70-75 साल के हैं चाचा, वेट कर रहे हैं। कितनी देर से आप वेट कर रहे हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से वेट कर रहे हैं और ये बच्चे देखिए इतने अच्छे अच्छे हमारे प्यारे बच्चे हैं और सब बेचारे वेट कर रहे हैं। और आप सिर्फ यही नहीं, पूरा रास्ता चलते चलते देखते चले जाइए, लाखों लोग वेट कर रहे हैं और लाखों लोग साथ में चल भी रहे हैं। तो बढ़िया लग रहा है यात्रा में? बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जी मिल रही है, जनता का समर्थन मिलता है तो एनर्जी मिलती है, नहीं मिलती नारा लगाइए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।